मध्य प्रदेश के विदिशा से खबर है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दुर्गा नगर चौराहे पर तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। बता दें कि दुर्गा नगर गली नंबर 2 निवासी संतोष रायकवार अपनी पत्नी नीलम, बड़ी बेटी देवांशी और छोटी बेटी राधिका रायकवार के साथ एक ही ऑटो में स्टेशन की ओर जा रहे थे। उन्हें स्टेशन से ट्रेन से बिना वहीं उससे पहले दुर्गा नगर से गुजरते समय तेज रफ्तार बस ने उनके ऑटो को टक्कर मार दी। वहीं इस घटना में संतोष रायकवार, उनकी पत्नी और बड़ी बेटी घायल हो गई। वहीं जबकि 2.5 साल की राधिका को मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मेडिकल कॉलेज पहुंची, वहीं जहां घायलों के बयान को लेकर आगे की कार्यवाही में जुटी है। पुलिस ने यह भी बताया है कि दुर्घटनाग्रस्त ऑटो और बस को सिविल लाइन थाने में खड़ा कर दिया गया है। विदिशा से अजय सिकरवार की रिपोर्ट। जो दुर्गा नगर पे जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या कार्रवाई हुआ? एक ऑटो और एक बस का एक्सीडेंट हुआ है, तो ऑटो वाले घायल हैं। उसमें ये लोग तहरीर प्राप्त हुई है जिला मेडिकल कॉलेज से, यहाँ हम लोग तहरीर जांच में आए हैं, कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, किसी बच्ची की डेथ हो गई है? हाँ, एक बच्ची की डेथ हो गई है जो 2.5 साल करीब की है। नाम है उसका राधिका रायकवार, उसकी डेथ हो गई। दोनों गाड़ियों के क्या हाल हैं, बस और ऑटो? हम बीना जा रहे थे, दुर्गा नगर चौराहे पे ऑटो में बैठे थे, तो बस ने टक्कर मार दी। कौन सी बस थी? बस शक्ति की थी। काय में टक्कर मारी? ऑटो में। कितने लोग बैठे थे आप? हम, हमारे 2 बच्चे और हम लोग, 4 जने थे। क्या हुआ? मेरी दोनों बच्ची को लग गई, हमें भी लगी। हाँ, बच्ची को बता रहा है क्या हुआ, वो बता रहा है, वो चली गई।